तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग 125 सीसी बाइक हीरो ग्लैमर की एक्सटेक वर्जन की एक नया कलर आया हुआ है, जो कि आप देख ही सकेंगे ब्लू कलर, इसी का एक कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू देने वाला हूं। तो दोस्तों, ग्लैमर एक्सटेक का पहले जो सारे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स के साथ आता था वही सेम आएगा, लेकिन इसमें ये जो कलर है ये अब नया ऐड किया गया है। अब ये जो कलर है दोस्तों, ये पर्सनली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और ये आप देख ही सकेंगे कि ब्लू कलर इसमें दिए गए हैं। और कोलकाता में आज की तारीख में लेने जाएंगे तो एक्सटेक ग्लैमर की जो वर्शन है उसका लगभग आपको 1,02,000 से लेकर 1,03,000 रुपये ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत, और मैंने ये वीडियो शूट किया हूं ऑटो स्मार्ट कोना हावड़ा में। अगर आपको कोई भी बाइक या स्कूटर लेना है तो आप इस शोरूम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट नंबर के साथ साथ मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, एक्सटेक में पहले जो भी चीज़ें अलग से आता था नॉर्मल रेगुलर ग्लैमर के मुकाबले, वही सारी चीज़ें आपको मिलेगा। आपको एक्सटेक की बैजिंग अलग से मिल जाएगी, आपको जो एक्सपल्स सीरीज़ का जो मीटर कंसोल आता था विथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी वो मिलेगा, आपको एलईडी हेडलैम्प यूनिट मिलेगा, और अब से आपको एक मोबाइल चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले इंजन की बात कर ले तो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 124.7 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लायंट इंजन है, जहाँ पे आपको i3S और टॉर्क ऑन डिमांड टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। अब इसमें पावर मिलेगा 10.73 BHP एट 7500 RPM, और पीक टॉर्क मिलेगा 10.6 न्यूटन मीटर्स एट 6000 RPM। सेल्फ और किक स्टार्ट दोनों ही हैं दोस्तों, 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मेटेड है, और ये डायमंड फ्रेम पर ये गाड़ी कम्प्लीटली बना हुआ है। आपको इसमें ग्लॉजी फिनिशिंग का एग्जॉस्ट कवर देखने को मिलेगा, और गन मेटल फिनिश आपको इंजन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, ये इंजन जो है काफ़ी दमदार इंजन है, और 65 के अराउंड आपको माइलेज देने में ये कामयाब रहेगी। ओवरऑल दोस्तों, इंजन पेपी है, स्मूथ है, और अच्छा खासा पावर भी बिल्डअप करता है। सिटी के अंदर अगर आप चलाएंगे, थोड़े बहुत हाईवेज में भी चलाएंगे, तो इंजन से आपको कोई भी ज़्यादा शिकायत होने की चांसेस नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर हम देखें तो बाइक जो एक्सटेक पहले था वही सेम है, तो एक्सटेक में अलग से फीचर्स आपको मिलता है ये स्टाइलिश हेडलैम्प, जहाँ पे DRLs के साथ साथ आपको फुल्ली LED हेडलैम्प यूनिट देखने को मिल जाएगा, और ऊपर की तरफ हीरो का 3D एम्बलम जो है ये भी देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल लुक्स के हिसाब से और रोड इल्यूमिनेशन के हिसाब से जो लाइट है ये अच्छा है। अब दोस्तों, देख लीजिए मीटर कंसोल, अब ये वही एक्सपल्स का ही मीटर कंसोल यहाँ पे दिया गया है, और आपको इसमें GPS नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह देखने को मिल जाता है। दोस्तों, मीटर कंसोल बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, RPM इंडिकेटर, स्पीड, सर्विस रिमाइंडर, दो अलग अलग ट्रिप मीटर्स, टोटल किलोमीटर्स, ये सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसमें एवरेज माइलेज देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ नेविगेशन, इको इंडिकेशन, डेट, टाइम, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों, ये जो मीटर कंसोल, इसके ऊपर की तरफ आपको सारे टेलटेल लाइट्स मिलते हैं, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, इंजन मैलफंक्शन लाइट, न्यूट्रल लाइट, ये सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ऐप के जरिए अगर आप कनेक्ट करते हैं तो सर्विस रिमाइंडर सबसे पहले आपको दिखाएगा, उसके बाद आप अगर चाहे तो आप इसमें GPS नेविगेशन भी इनेबल करके गाड़ी को चला सकते हैं। और दोस्तों, साइड में देखिए USB चार्जिंग का एक जगह दिया गया है, ताकि आपको अलग से चार्जर यहाँ पे लगाना ना पड़े, और आप ऑन द गो अपने कोई भी स्मार्ट डिवाइस चार्ज कर पाएंगे USB के जरिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का इसमें प्रोविजन दिया गया है, जो कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट एक मैंडेटरी फॉर्म बना, एक ट्रेंड बन चुका है। एक्सटेक की बैजिंग आपको मिल जाएगी, और मीटर कंसोल में ही आपको साइड स्टैंड के इंडिकेशन देखने को मिल जाएगा। चाबी की अगर उठ देखें दोस्तों, तो चाबी ठीक ठाक है इसकी। हैंडल बार को देखें तो हैंडल बार थोड़े से अपलिफ्टेड है, थोड़े से ब्रॉड है, और ब्लैक कलर के ब्लैक एंड आउट हैंडल बार यूनिट इसमें दिए गए हैं। अब लाइट्स की बात करें दोस्तों, तो DC इलेक्ट्रिकल्स इसमें है, तो कोई भी फ्लिकरिंग का यहाँ पे इशू नहीं होगा, जैसे कि पुरानी बाइक्स में होता था। और इसमें पास लाइट और हाई बीम कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। ओवरऑल लाइट्स को लेकर मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हाँ, अगर ज़रूर इंडिकेटर्स इसमें फ्लेक्सिबल होते तो मेरे ख्याल से और अच्छा होता। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो हेडलैम्प काउल भी काफ़ी ज़्यादा रोबोटिस्टिक और स्टाइलिश बनाया गया है, और जो विंडशील्ड है ये भी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो एज शेप्ड आपको एक बैकलैम्प यूनिट मिलेगा, जो कि बल्ब टाइप का है। अब ये अगर LED दे देता कंपनी वालों ने तो और भी अच्छा होता, और ग्रैब हैंडल भी ठीक ठाक है। अब मिरर्स की ओर देखें तो एंगुलर मिरर्स इसमें आता है, और मिरर्स की फील्ड ऑफ व्यू जस्ट अबाउट डिसेंट है। अब स्विच गियर और बेहतर हो सकता था दोस्तों, क्योंकि इसमें जो स्विचेस है वो थोड़े से फ्लिमजी लगे, थोड़ा सा और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हो सकता था स्विच का। ओवरऑल राइडिंग पॉस्चर की अगर बात करें तो कंफर्टेबल राइडिंग पॉस्चर है, रिलैक्स वैसे बैठ के इस गाड़ी को चला पाएंगे। i3S की इसमें सुविधा भी दिया गया है। अब दोस्तों, इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये 180 mm है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से मोर देन एनफ है। टैंक की बात करें दोस्तों, तो टैंक में यहाँ पे आप देखेंगे कि ग्लैमर की 3D बैजिंग दिया गया है,
10 लीटर्स की टैंक है और एक्सटेक का भी आपको बैजिंग मिलेगा और एक व्हाइट लाइन का डिजाइन भी आपको मिल जाएगा। टैंक शाउट जो है ये भी अग्रेसिव है और ओवरऑल देखने में एक बहुत ही अच्छा फील दे देता है जहाँ तक मुझे लगा है। इसके बाद दोस्तों अगर साइड में देखें तो साइड में भी आपको ग्लैमर i3s की बैजिंग मिलेगा, फ्यूल इंजेक्शन की बैजिंग मिलेगी और बैक जो काउल है बैक काउल भी अच्छा खासा इंटीग्रेटेड है ओवरऑल गाड़ी की बॉडी के हिसाब से। अब सीट हाइट की बात करें तो 793 mm है ताकि कोई भी हाइट का बंदा इजीली इस गाड़ी को चला पाएगा और राइडर और पिलियन के लिए स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इजीली राइडर और पिलियन दोनों बैठ के आराम से इस गाड़ी को चला पाएगा क्योंकि सॉफ्टनेस की बात करें, कंफर्ट और ओवरऑल कुशनिंग की बात करें तो ठीक ठाक है। इसके बाद अगर वेट की बात करें दोस्तों तो 122 से लेकर 123 kg तक इसका वेट है। दो अलग अलग वेरिएंट्स आता है ड्रम और डिस्क। फिलहाल जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये इसकी डिस्क वेरिएंट है और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप डिस्क वेरिएंट ही लें क्योंकि उसमें ब्रेकिंग ड्रम के मुकाबले और अच्छा होता है। तो ओवरऑल दोस्तों हीरो की अगर हम आफ्टर सेल्स एंड सर्विस देखें तो आपको हर जगह पर इस गाड़ी का लाइक जो सर्विस ज़रूरत पड़ता है वो आपको मिल जाएगा और हीरो की गाड़ी है तो इसीलिए इसके जो स्पेयर पार्ट्स है ये भी आपको नॉर्मल ठीक ठाक प्राइस में इंडिया की कोई भी जगह पे किसी भी मार्केट पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मीटर कंसोल की बात जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा फीचर है। अब आते हैं अगर सस्पेंशन पे तो आगे की तरफ 120 mm की ट्रैवल के साथ टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आएगा और पीछे आपको ट्विन सस्पेंशन आएगा जो 5-स्टेप एडजस्टेबल है और इसके जो ट्रैवल है ये 81 mm है। अब दोनों ही जो टायर्स है दोस्तों दोनों ही ट्यूबलेस टायर्स इसमें आता है 18 इंच का। आगे की तरफ आपको 80x100 प्रोफाइल का टायर मिलेगा और 240 mm की डिस्क देखने को मिल जाएगी। अब इसमें IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम आता है जो कि बेसिकली हीरो का दिया हुआ नाम है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम की। अलॉय पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है। तो दोस्तों पीछे की टायर्स को टायर को देखें तो 100x80 सेक्शन का टायर है और पल्सर में जो टायर पीछे की तरफ यूज़ होता है सेम वही प्रोफाइल का थोड़े से चौड़े टायर पीछे की तरफ दिया गया है और स्किडिंग के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। पीछे आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों ब्रेकिंग ठीक ठाक है अगर आप एक नॉर्मल तरीके से इस गाड़ी को चला रहे हैं तो। ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये गाड़ी उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों को 125cc के अंदर एक अच्छा खासा माइलेज देने वाली और लुक्स के साथ साथ अच्छा खासा पैकेज चाहिए, खास करके नौजवानों के लिए। उनके लिए भी माइलेज इंपॉर्टेंट होता है और लुक्स इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए जो हीरो की ग्लैमर की एक्सट्रेक वेरियंट है अच्छा खासा रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे, थैंक यू एंड राइड सेफ।